गुड मॉर्निंग। आज फ्रैक्शन का ये दूसरा क्लास है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स। इससे पहले की क्लास में आप सब ने तीन फ्रैक्शंस पढ़ा है, आज फोर्थ फ्रैक्शंस पढ़ना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है? The fractions obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fractions. वह फ्रैक्शंस जो किसी सेम non-zero number से उसके numerator और denominator को multiplying और dividing के द्वारा प्राप्त होता है वह equivalent fractions कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 एक्सेट्रा। ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं है इसको चेक करना है। ऐसे तो ये इसका एग्जाम्पल्स है, तो ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, लेकिन चेक करके हम आपको बताते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन है 2/3। 2/3 ये कहलाता है न्यूमरेटर कहलाता है, ये डिनोमिनेटर कहलाता है। आप सब जानते हैं न्यूमरेटर को सेम नॉन जीरो नंबर 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है 4/6, ये मिल जाएगा 2 2 4, 3 2 6। सेकंड 2/3 को फिर सेम नॉन जीरो नंबर इट मींस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6/9, 3 2 6 और 3 3 9, 6/9 आ गया। फिर 2/3 को 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं 8/12, 2/3 को 5/5 से मल्टीप्लाई करते हैं 10/15। आप सबने देखा कि ये जो फ्रैक्शन है, यह जो फ्रैक्शन है इसको इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नेक्स्ट फ्रैक्शन यानी इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आते हैं। यानी 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/6 हो गया, फिर 2/3 को 3/3 से मल्टीप्लाई किए तो 6/9 आ गया, तो 2/3 का ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये भी कहलाएगा। फिर 2/3 को 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8/12 आ गया, 8/12 आ गया, और 8/12 भी क्या है 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 2/3 को 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/15 आ गया, 10/15 भी क्या है 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरह करके हम लोग एक से बहुत सारा निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। इन वैसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, वैसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम हो यानी इक्वल हो वह क्या कहलाता है? लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। एग्जांपल्स 2/9, 5/9, 7/9, 13/9 एक्सेट्रा। इन सब में हम लोग क्या देख रहे हैं? डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर 9 है, इसका भी डिनोमिनेटर 9 है, इसका भी 9 है और इसका भी 9 है, तो ये सब क्या कराएंगे? लाइक फ्रैक्शंस कराएंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। यानी वैसा फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? डिफरेंट हो। डिनोमिनेटर क्या हो? डिफरेंट हो, वह अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाता है। जैसे 5/13, 4/7, 8/15, 17/19 एक्सेट्रा। ये सब क्या देख रहे हैं? ये इन सारे फ्रैक्शंस में हम देख रहे हैं कि सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर डिफरेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर डिफरेंट होना चाहिए। न्यूमरेटर डिफरेंट है इट मींस वह क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस है। एक पॉइंट है हम लोग देखेंगे कि चेंज द फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। अब फ्रैक्शंस को लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल्स हम किस
12y 18 है, यह एक फ्रैक्शन है, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर, ये 12 न्यूमरेटर होगा और 18 डिनोमिनेटर होगा। 12 का जो फैक्टर्स निकालें, 12 किस किस नंबर से डिविजिबल है, तो 12 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। 18 को देख लेते हैं, 18 किससे डिविजिबल है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 13 से, खुद भी 18 से भी डिविजिबल है। अब देखते हैं क्या हम जो इसका फैक्टर्स अगर निकालते हैं तो फैक्टर्स 1 से लेकर वह कोई भी नंबर होता है वह खुद से भी डिविजिबल होता है, तो वह लास्ट जो उसका फैक्टर होगा, लास्ट जो फैक्टर होगा वह नंबर खुद होगा। इसका जो कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा इसका, ये दोनों में है 1 1, दोनों में 1 तो सभी नंबर में कॉमन होता है, यहां भी कॉमन है 1, 2 2 भी कॉमन है, 3 3 भी कॉमन है, 4 4 इसमें नहीं है तो ये कॉमन नहीं है, 6 हां 6 भी कॉमन है तो 6 भी लिख दिए, 1 2 3 और 6, ये 6 कॉमन। इस कॉमन फैक्टर्स में हमें निकालना है कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो इस कॉमन फैक्टर में जो ये 4 कॉमन फैक्टर्स है इसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा, जो ग्रेटर नंबर है 6 तो 6 हो गया, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 6 हो गया। अब इस 6 से 12/18 को डिवाइड करें, तो 12 डिवाइडेड बाय 6 और 18 डिवाइडेड बाय 6 यानी सेम नंबर 6 से ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं, तो 6 से डिवाइड करते हैं 12 में, 6 2 जा 12 तो 2 आ गया, फिर 6 से डिवाइड करते हैं 18 में तो क्या आ जाएगा 3, 6 3 जा 18 होता है तो 2/3। इस तरह करके हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है 12/18, इसे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हम चाहते हैं तो डायरेक्ट कैंसिल करके भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये किस किस नंबर से डिविजिबल है, ये 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से भी है, तो हमें याद रखना है कि कैंसिल जो करेंगे वह हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए, तो 6 * 6 6 2 = 12 6 3 = 18 तो 2/3। इस प्रकार की इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।